दशरथ घर जनमे बैठे तो काफी लोग, अगर बोलियो बहुत दूर तक आवाज पहुंचेगी। बोलो करो, और भैया लोगों आप भी लोग बोला करो, अच्छा नहीं लगता ऐसे जैसे कि हाथ ही ना हो। हाथों है मुंह है बोलन का जे जे हाथ का ही का जाते हैं, ऐसे थोड़ी कि देखते रहो इन्हें। इतना सुंदर मुंह का चौकटा क्यों बनाया, ऐसी थोड़ी बना दिया, इसलिए बनाया कि कहीं मेरा भजन हो तो मेरा भक्त बोले। लेकिन बिन पे गजू फड़े कि नहीं पड़ता ऐसे बैठ जा बोलियो, ठीक है ना। Thank you.
महाराज दशरथ के आंगन में बधाइयां बज रही हैं और जो भी दरवाजे पर आता है खाली हाथ लौट के नहीं जाता है, जिसने जो मांगा वही दे दिया गया है। लेकिन महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके उनके द्वारा अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। तो याद रखना पुत्रों के नाम क्या क्या रखे गए हैं। एक पुत्र का नाम राम रखा गया है, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण, तीसरे का भरत और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया है। चारों के नामकरण संस्कार हुए हैं। इधर जो ही समय गुजरने लगा, लेकिन महाराज एक दिन विश्वामित्र ने और महाराज दशरथ के दरवाजे पर आए विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से एक चीज मांगी। क्या मांगा? विश्वामित्र कहने लगे, महाराज दशरथ हमें तुम अपने तो अनमोल रत्न दे दीजिएगा, अपने राम लक्ष्मण को हमें दे दो। महाराज दशरथ बोले, विश्वामित्र आपने ये क्या मांगा? आप कहते सारा राज्य दे देता, मेरे पास बहुत सी सेना है, सारी सेना भेज देता, लेकिन मेरे कलेजे के टुकड़े को ना मांगा, क्योंकि ये राम लक्ष्मण मेरी जान है, अगर मैंने दे दूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्यों? कि राम लक्ष्मण ही मेरे सब कुछ है, इन्हें मत मांगिए। आप मेरा अवध मांग लीजिए, मेरे तो खिलौने हैं, इन्हें मत मांगिए। विश्वामित्र बोले, नहीं हमें सिर्फ आपके राम ही लक्ष्मण चाहिए। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को दे दिया है। विश्वामित्र अपने साथ में लेकर के अपने आश्रम पर चले। विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में, आजमगढ़ में अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इधर यही समय व्यतीत हुआ, लेकिन इधर महाराज याद रखना, महाराज जो जनक थे, इनकी जनक नंदनी जनक दुलारी बेटी सीता थी। लेकिन महाराज जनक के पास में बताया गया है कि ऐसा धनुष था और वो धनुष दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ था। उससे बड़े बड़े राजा महाराजा लग जाते थे, लेकिन उस धनुष को एक तिलवी तक हिला नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन घर में सीता जी की मां ना होने पर सुने ना, सीता जी ने क्या किया, अपने आंगन को लीपा। तो आंगन को लीपते वक्त सीता ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। और उठाया कब और कैसे उठाया था? किसी जन का दुलारी सीता ने बचपन में गोती गदी पे Thank you.
रखना महाराज। जब मैया ना होने पर सीता ने उस धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके उस धनुष के नीचे दीप करके उठा करके रख दिया है। लेकिन महाराज जनक ने देखा और क्या देखा, बेटी सीता ने धनुष को उठा लिया है। चली सभा में पहुंचे, सभा में पहुंच करके कहा कि हे भरी सभा के लोगों, और आज हम भरी सभा में बैठ करते हैं और मैं भरी सभा में कहता हूं हम अपने यहां पर धनुष यज्ञ रचाएंगे और धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए पत्रों को भेजेंगे, जो भी हमारे यहां आएगा और आकर के धनुष को तोड़ेगा वही बेटी से रिश्ता जोड़ेगा। बोले हैं कि जैसा